प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर्च इंजन्स। ठीक है, हमारे जितने भी सर्च इंजन्स हैं वो किस तरह के हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में। जैसे गूगल है, याहू है, ask.com, MSN है, बिंग है, वॉट है। चलिए देखते हैं कि होता क्या है सर्च इंजन। What is search engine and define its types? Search engine is a special program that helps to search information related to entered words on the internet. ठीक है, सर्च इंजन एक स्पेशल प्रोग्राम है, खास प्रोग्राम है जो हेल्प करता है टू सर्च इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ढूंढने में रिलेटेड टू एंटर्ड वर्ड्स, जो भी हम वर्ड्स एंटर करते हैं ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर मतलब इस प्रोग्राम के अंदर जो हम वर्ड्स एंटर करते हैं उनको ढूंढने का काम करता है हमारा सर्च इंजन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, टूडे काउंटलेस वेबसाइट्स आर रनिंग ओवर द इंटरनेट। इफ अ यूजर हैव नो आइडिया अबाउट पर्टिकुलर वेबसाइट, देन ही कैन टाइप कीवर्ड इनसाइड द सर्च इंजन एंड कैन गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अब देखो, आज जो है वो काउंटलेस मतलब अनगिनत वेबसाइट्स जो है आर रनिंग ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर चल रही हैं। अगर यूजर को आइडिया नहीं है किसी भी खास वेबसाइट के बारे में, देखो ना, मान लो हमने कोई गाना डाउनलोड करना है, कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पे? हम वेबसाइट का नाम थोड़ा ना लिखते हैं, हम क्या करते हैं कुछ एक वर्ड्स लिख देते हैं कि डाउनलोड ये गाना, पंजाबी म्यूजिक जो भी, ठीक है, उससे रिलेटेड वर्ड्स हम एंटर करते हैं सर्च इंजन के अंदर और वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है ना, और किसी भी जिस भी वेबसाइट के अंदर होगा उस वेबसाइट को वो खोल के दे देगा हमारे पास कि इसके अंदर है ये गाना, वहां से आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, देन ही कैन टाइप कीवर्ड इनसाइड द सर्च इंजन, तब हम क्या कर सकते हैं उस सर्च इंजन के अंदर वर्ड्स टाइप करते हैं एंड कैन गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट, और हम उस वेबसाइट के बारे में हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो ज्यादातर यूज होते हैं गूगल, उसके बाद याहू है, अल्टा विस्टा है, बिंग है, वेब क्रॉलर है, हॉटबॉट है, लिकॉस है, एक्साइट है, गुरुजी और खोज है। ये सारे पॉपुलर सर्च इंजन हैं, ज्यादातर तो वाइडली यूज होते हैं, गूगल, याहू, बिंग, ठीक है, वेब क्रॉलर, और इनका जो एड्रेस टाइप करते हैं इस तरह से www.google.com, www.yahoo.com, www.bing.com, www.khoj.com, इस तरह से हम इनको ओपन कर सकते हैं, उनके अंदर चीजें जो है वो ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नया वेब ब्राउजर ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ पे www.khoj.com, देखो cv.com ओपन किया इसने यहाँ पे, khoj.com की तरह यहाँ पे कोई एक और सर्च इंजन ओपन करके देख लेते हैं, याहू .com. याहू में भी इस तरह से बॉक्स देता है चीजों को ढूंढने के लिए, जैसे डाउनलोड गेम्स, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और देखो ये बी गेम्स कहाँ कहाँ पे है, उनसे रिलेटेड जो भी वेबसाइट होगी वो हमारे सामने होती है, बस लिंक पे क्लिक करना होता है और वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे अल्टा विस्टा है, जो भी सर्च इंजन है, याहू मैप से अल्टा विस्टा है, देखो www.altavista.com, ये भी सेम वैसे ही है, देखो सर्च इंजन, यहाँ पे चीजें लिखो और ढूंढो। ठीक है, ये देखो सेम वैसे ही काम कर रहे हैं, जो उनको यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी सर्च इंजन हैं, हम एक एक करके इनको यूज़ कर सकते हैं। ये गूगल है, यहाँ पे दिखाया हुआ जिससे जो भी हमने यहाँ से डाउनलोड राष्ट्रीय गान टाइप किया उससे रिलेटेड जो है वो जिस वेबसाइट के अंदर उसका नाम भी चाहिए, सॉन्ग्स किंग डॉट इन, ठीक है, उसके अंदर जैसे क्लिक करेंगे उस वेबसाइट के अंदर ये ओपन हो जाएगा, और डाउनलोडिंग करने का तरीका आप जानते ही हैं अच्छे से,
अब बात करते हैं हाउ इंटरनेट वर्क्स कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट वर्क्स लाइक ए पाइपलाइन, एक पाइपलाइन की तरह काम करता है दैट कैरी डाटा बिटवीन कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ वायर्ड और वायरलेस मीडिया, हब्स, स्विच, ब्रिज एंड रूटर्स और गेटवे। ठीक है, इंटरनेट जो है वो काम करता है एक पाइपलाइन की तरह, जैसे पाइपलाइन काम करती है हमारे घरों में पानी पहुंचाने का, सेम इंटरनेट भी हमारे पास डाटा पहुंचाने का काम करता है, वो भी एक नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, इंटरनेट वर्क्स लाइक ए पाइपलाइन दैट कैरी डाटा बिटवीन कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर जो है कंप्यूटर के बीच में डाटा को कैरी करने का काम करता है हमारा इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ। अब किसकी सहायता से ये काम करता है, तो उसके लिए देखो वायर्ड है, ये तो केबल्स की हेल्प लेते हैं, या तो वायरलेस पहुंच रहा है, सिग्नल से पहुंच रहा है डाटा हमारे पास, जैसे मोबाइल फोन है उन पे तो वायरलेस ही पहुंच रहा है ना। अब ये जो वायरलेस हमारे तक सिग्नल पहुंचा रहे हैं, इनके जो जिस नेटवर्क से ये चीजें ले रहे हैं, डाटा ले रहे हैं, वहां पे हब लगी है, स्विच लगी है, राउटर लगे हैं, ये डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले जो भी मॉडम्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं हमारे नेटवर्क के ऊपर। स्विच होता है, ब्रिज होता है, राउटर होता है, गेटवेज होते हैं, है ना, फिल्टर करता है डाटा को, वायरस तो नहीं है, ये गेटवेज वगैरह जो होते हैं, रूटर्स होते हैं, बड़े बड़े नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, अ गेटवे इज अ डिवाइस। अब यहाँ पे गेटवे का भी क्वेश्चन बनता है कि गेटवे होता क्या है। अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। अब गेटवे जो होता है ना, वो एक ऐसा उपकरण है जो अलग अलग नेटवर्क, जैसे लैन, मैन, वैन होते हैं ना, अलग अलग तरह के नेटवर्क होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती है इनकी, इनको ये जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है गेटवे। एंड पास डाटा पैकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर, और डाटा ट्रैफिक पैकेट्स जो भी होते हैं, मतलब डाटा इससे रिलेटेड हम सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर या डाउनलोड करते हैं, उन पैकेट्स को हमारे कंप्यूटर तक क्या करता है, पास करता है, ठीक है, पहुंचाता है। इंटरनेट वर्क्स बिकॉज ईच कंप्यूटर शेयर सेम प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट काम करता है क्योंकि हर एक कंप्यूटर जो है वो सेम प्रोटोकॉल्स को शेयर करता है, जो है TCP/IP। TCP/IP एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसकी खोज जो थी हमारे जो इंटरनेट के जो फादर है ना, डेवलपर ऑफ इंटरनेट जो है, जैसे विंट कार्फ है और बॉब कहन था, रॉबर्ट कहन था, उन्होंने TCP/IP की खोज की थी। उनकी इस खोज को ही इंटरनेट का नाम दिया गया था, क्योंकि TCP का काम होता है डाटा को तोड़ने का, और IP का काम होता है कि एड्रेस देने का और वहां पे डाटा को पहुंचाने का काम। ठीक है, तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स को ही डिस्कवर होने के बाद जो है इनको फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना गया था, जो विंट कार्फ है और रॉबर्ट कहन है। ठीक है, अब डिटेल में TCP/IP होती क्या है, कैसे काम करती है, वो आपको आगे नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा पूरा का पूरा जो इंटरनेट है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है आपस में, अलग अलग, देखो ये कंप्यूटर हब से जुड़े हुए हैं, ये हब से जुड़े हुए हैं, ये मोबाइल जुड़ा हुआ है, ये वायरलेस रूटर है, ये वायर्ड रूटर है, ये स्विचेस हैं, नेटवर्क सबको आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, वायरलेस और वायर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं उस TCP/IP की, कि TCP/IP का काम क्या होता है, कि पीछे जो हम बोल रहे थे ना कि इंटरनेट काम करता है क्योंकि हर एक नेटवर्क जो है वो सेम प्रोटोकॉल को शेयर करता है, वो है TCP/IP। ठीक है, चाहे कितने भी नेटवर्क हैं, चाहे लैन है, चाहे मैन है, चाहे वैन है, चाहे पैन है, सारे सेम प्रोटोकॉल्स को शेयर करते हैं, इसलिए हमारे पास डाटा जो होता है एकदम से पहुंचता है। ठीक है, इसी प्रोटोकॉल को शेयर करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स। अब प्रोटोकॉल कोई हार्डवेयर, कोई पुर्जा नहीं होता है, प्रोटोकॉल जो होते हैं एक तरह का एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स बोल रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल लो चाहे, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लाइक ए सॉफ्टवेयर की तरह ही, विच मेक द डाटा ट्रैवल ईजी, जो डाटा ट्रैवल को आसान बनाता है फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन अक्रॉस नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क के चारों तरफ जो भी जितनी भी मशीनें जुड़ी हुई हैं, चाहे मोबाइल फोन है, चाहे कंप्यूटर है, उनके ऊपर डाटा ट्रैवल को इजी बनाता है हमारा TCP/IP। अभी TCP/IP बारीकी से किस तरह से काम करता है ये आपको मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। जैसे मान लो कोई फाइल है, हमने अपने फ़ोन से या व्हाट्सएप की कोई भी वीडियो भेजनी है या मैसेज भेजना है, वीडियो मान लो, चाहे वीडियो थोड़ी सी लार्ज फाइल होती है, MB में होती है। ठीक है, तो उस फाइल को जैसे हम भेजते हैं ना, तो ये फाइल जो होती है हमारे कंप्यूटर पे या दूसरे मोबाइल फोन पे कैसे पहुंचती है, टीसीपी क्या काम करती है कि इस फोल्डर को जो हम भेजेंगे, मान लो ये 5 GB का है या 5 MB का है या 10 MB का है, तो ये TCP क्या करेगी, इसको छोटे छोटे से पैकेट्स में बांटेगी, टुकड़ों में बांटेगी। ठीक है, और IP का काम होगा कंप्यूटर को एक IP एड्रेस,
मिलता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, उसी एड्रेस पे चीज पहुंचती है। ऐसा थोड़ी होती है कि हमने भेजा कहीं और चीज की भेजी हो किसी और को और किसी और के पास पहुंच गई हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। जिस एड्रेस पे भेजते हैं, जिस मोबाइल नंबर पे हम कॉल करते हैं उसी पे कॉल जाती है, जिस पे व्हाट्सएप करते हैं उसी नंबर पे जाती है, लेकिन उनको एक एड्रेस मिलता है, ठीक है, एक तरह का आईपी एड्रेस बोलते हैं उसको, ठीक है। वो आईपी एड्रेस जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे 192.168.1.1, इस तरह से हर एक डिवाइस का इंटरनेट के ऊपर ये आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। टीसीपी का काम होता है डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आगे भेजने का, और आईपी का काम होता है आईपी एड्रेस देने का, ठीक है। तो इस तरह से डाटा हमारे पास पहुंचता है, ठीक है। अब बारीकी से देखते हैं कि टीसीपी किस तरह से इन पैकेट्स को तोड़ती है, फिर क्या करती है। तो सबसे पहले टीसीपी की वर्किंग देखते हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कैसे काम करती है। ये हमारे पास थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया अभी कैसे वो डाटा पहुंचता है ना। इट ब्रेक्स डाटा इंटू स्मॉल पैकेट्स। टीसीपी क्या करती है कि डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, जैसे मैंने अभी दिखाया, ठीक है। भेज रहे थे ना, हम एक फाइल भेज रहे थे, एक फोल्डर जो भी भेज रहे थे, उसको क्या किया उसने छोटे छोटे पैकेट्स में बांट दिया। उसके बाद क्या करती है, इट वेरीफाई ऑल द पैकेट्स फ्रॉम बोथ डेस्टिनेशन, मीन्स फ्रॉम क्लाइंट एंड सर्वर साइड। अब देखो इन पैकेट्स को ये दोनों तरफ से वेरीफाई करती है, दोनों तरफ से, जहाँ जैसे मान लो क्लाइंट जो हम भेज रहे हैं ना, जो दूसरा रिसीव करने वाला है, वो दोनों साइड से वेरीफाई करते हैं, रिसीव करने वाले तरफ से भी और भेजने वाले तरफ से भी। ये टीसीपी का काम होता है कि भेज कौन रहा है और रिसीव कौन कर रहा है, ठीक है। इनकी क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है, ये दोनों तरफ से वेरीफाई करती है। उसके बाद देखो रीअसेंबल द डाटा, डाटा को दोबारा जोड़ने का काम, तोड़ने का काम भी यही करती है ना टीसीपी, और जोड़ने का काम भी यही करती है, रीअसेंबल द डाटा, डाटा को दोबारा जोड़ने का काम। दूसरी तरफ ऐसे नहीं होता है, जैसे मान लो हमने को 5 MB की कोई फाइल भेजी, वो एकदम से थोड़ा पहुंचती है दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल फोन पे, है ना, कैसे जाती है। बोल MB जो होते हैं वो टुकड़ों में टूट के जाएगा, डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, एक एक एम बी करके जाएगा ना, एक एक एम बी करके जाएगा, पैकेट्स में जाएगा। फिर दूसरी तरफ जैसे वो पहुंचते हैं वो वापस में फिर जुड़ के एक ही बन जाते हैं वो सारा का सारा, यानी कि रीअसेंबलिंग का काम भी टीसीपी करती है, दोबारा जोड़ने का काम। अब बात करते हैं आईपी की, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करती है। फिर इट इनवेल्प्स एंड एड्रेस पैकेट बाई गिविंग सीरियल नंबर। अब जैसे ना 5 MB की मान लो आपने एक वीडियो भेजी, तो ये आईपी क्या करती है, उस हर एक पैकेट को एक सीरियल नंबर दे देती है। जैसे 5 MB का होगा ना, जैसे 1 MB का तोड़ दिया, एक एक एम बी में तोड़ दिया, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से सीरियल नंबर दे देती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आफ्टर दैट इनेबल द नेटवर्क टू रीड द इनवेल्प। उसके बाद नेटवर्क को बोलती है कि उस इनवेल्प को रीड करे जो हमने पैकेट भेजा हुआ ना इनवेल्प, एंड फॉरवर्ड द डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। और उसको उस डेस्टिनेशन यानी डेस्टिनेशन पे भेजेगी कैसी, उस आईपी एड्रेस पे भेजेगी, ठीक है, एंड फॉरवर्ड द डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डेस्टिनेशन और ऑन आईपी एड्रेस, ठीक है। के बाद इनेबल करती है ना कि रीड करे उस इनवेल्प को, उस पैकेट को और उस डाटा को, वो ये फॉरवर्ड कर दे उस डेस्टिनेशन पर जहाँ पे हमने भेजना है, जिस आईपी एड्रेस पे हम भेज रहे हैं, ठीक है। इट्स सो इट आल्सो एंश्योर हाउ मच डाटा अ पैकेट विल कंटेन। ये भी सुनिश्चित करती है, इट आल्सो एंश्योर, ये भी एंश्योर करती है कि एक पैकेट के अंदर कितना डाटा आना चाहिए। इसके अलावा ये भी इंश्योर करती है कि एक पैकेट के अंदर कितना डाटा आना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक इतना ही काफी था, कल फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।